नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। वारिस पंजाब दे के मुखी अमृतपाल को मोगा के गांव रोडे से पुलिस ने किया गिरफ्तार, असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा। पंजाब हरियाणा रिटेलर्स एसोसिएशन की ओर से श्री देवीतला मंदिर के रामहाल में पहली वार्षिक जनरल मीटिंग का किया गया आयोजन। प्रसिद्ध समाज सेवक मेहंदी रत्ता परिवार की ओर से 101 बसों का काफिला मां वैष्णो देवी के दर्शनों हेतु किया गया रवाना। और अब हलचल विस्तार से। वारिस पंजाब दे जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह को मोगा के गांव रोडे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल सिंह पिछले 35 दिनों से फरार चल रहा था। इस संबंध में जानकारी देते हुए आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि अमृतपाल को सुबह 7:45 बजे गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के पास अमृतपाल का गांव रोडे में होने की पक्की सूचना थी, जिसके बाद गांव में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई। इस कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने पूरे संयम से काम लिया। उन्होंने बताया कि पूरे गांव को चारों तरफ से घेरा डाल दिया गया और अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अमृतपाल के खिलाफ एनएसए ने वारंट जारी किए थे, इसी के तहत उसे सुबह गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को भी पंजाब का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी काउंटर इंटेलिजेंस में सारे बड़ा आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नाल काम कर रहे थे। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए दे वारंट्स जिहड़े ने इशू किए हुए सी कोर्ट ने, तो अज सवेरे अमृतपाल सिंह नूं डिटेन किया गया। एनएसए दे जिहड़े वारंट्स उन्हां नूं एग्जीक्यूट करके उहदे अंडर डिटेन किया गया है। और फरदर इस केस दे विच जिहड़ा वा कानून दे अनुसार अगे कार्रवाई होगी। लोगों ने पब्लिक ने सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब के लोगों का, जिन्होंने इस पूरे दौर के दौरान पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी पीस मेनटेन की है। और पंजाब पुलिस भी कमिटेड है पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी तो पीस मेनटेन करने वास्ते। और कुछ जिहड़े हैगे ने एलीमेंट्स उन्होंने वार्निंग दी जाती है कि किसी भी तरह का माहौल पंजाब दे विच जिहड़ा वो खराब नहीं होने दिता जाएगा, किसी नूं भी पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमृतपाल सिंह नूं अज सवेरे करीब 6:45 ते रोडे पिंड तो गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ते इंटेलीजेंस विंग दे कोले कंक्रीट इनफॉर्मेशन सी ऑपरेशनल इनपुट्स दे बेसिस दे उत्ते कि वह रोडे पिंड दे विच जिहड़ा वा प्रेजेंट आ, उहनूं पुलिस ने सारे पासे तो नाकाबंदी करके पिंड नूं घेरिया होया सीगा। पर क्योंकि वह गुरद्वारा साहब के अंदर सीगा तो गुरद्वारा साहब की मर्यादा जिहड़ी आ वह सुप्रीम आ, उहनूं मेनटेन करना सारिआं दा ही साडा फर्ज आ कि किसी भी तरह का मर्यादा के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सो उस संबंध में जो ये कन्वे हो गया कि सारे पासे तो घिर गया है और कोई चारा एस्केप का उतो नहीं है, उस तो बाद गिरफ्तार किया गया करीब 6:45 से। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर किए गए ऑपरेशन संबंधी मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की ओर से एक अहम जानकारी साझा की गई। राज्यवासियों के नाम संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन की जानकारी उन्हें गत रात्रि ही मिल गई थी। उन्होंने पुलिस के बड़े अफसरों के साथ मिलकर अमृतपाल को गिरफ्तार करने की रणनीति तैयार की और DGP को पूरे संयम के साथ काम लेने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि राज्य की भाईचारक सांझ को तोड़ने की कुछ लोगों ने कोशिशें की, जिस पर सरकार ने एक्शन लेते हुए सख्त कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े भी गए और कुछ फरार हो गए। अगर पुलिस चाहती तो उन्हें भी उसी दिन गिरफ्तार कर लेती, पर वह नहीं चाहते थे कि राज्य का माहौल खराब हो। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। पंजाब में पिछले कुछ महीनों से लॉ एंड ऑर्डर को या पंजाब के अमन शांति भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर सामाजिक तत्व जो थे कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमें उनकी गतिविधियों की सूचना मिली हमने एक्शन लिया। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले।
इससे पहले अजनाला में थाना के सामने, पुलिस थाना के सामने जो पालकी साहब जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी रहती है उसको कुछ लोग लेकर आ गए थे, उसको ढाल बनाकर वो थाने के अंदर चले गए थे। उस दिन भी मैंने जो हमारे डीजीपी हैं पुलिस के उनको यही निर्देश दिए थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा को, उनके सम्मान में कोई आँच नहीं आनी चाहिए, ना कोई हमने वाटर कैनन यूज़ किया, ना ही कोई कंकर पत्थर चला उस दिन। हाँ, हमारे कुछ पुलिस जवान जख्मी जरूर हुए लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की जो इज्जत सम्मान लोगों के मन में है उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो उन पुलिस वालों की भी तारीफ हुई पूरी दुनिया में कि उन्होंने अब बहुत ही संयम से उस स्थिति को कंट्रोल किया। आज अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया और जो जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे, हम कोई बैटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। तो मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शांति आपसी भाईचारे को बना के रखा, सोशल बॉन्डिंग जो है पंजाब की उसमें कोई त्रेड़ नहीं आने दी और ना ही आने दी जाएगी। पंजाब करियाना रिटेलर्स एसोसिएशन गुड़ मंडी जालंधर की ओर से पहली वार्षिक जनरल मीटिंग का आयोजन जालंधर यूनिट की ओर से ओंकार गोयल की अध्यक्षता में श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हाल में किया गया, जिसमें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह और विधायक रमन अरोड़ा विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री को अपने व्यापार संबंधी आ रही मुश्किलों के बारे में अवगत भी करवाया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह और विधायक रमन अरोड़ा को दोशाला भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर पंजाब व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ, महासचिव समीर जैन, महासचिव सुनील मेहरा, उप प्रधान पविंदर बहल, जिला उप प्रधान सुखविंदर सिंह बग्गा, मीडिया सचिव विकास डांडा, किशन लाल अरोड़ा, हरबंस लाल अरोड़ा, नरेश गुप्ता, अंकित सेतिया सहित सभी सदस्य और व्यापारी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ व्यापारियों ने सारा बहुत ज्यादा साथ दिया और आपा भी काफी हमने कोशिश की थी, मान साहब ने भी इन्होंने व्यापारियों को कभी भी कोई मुश्किल आना नहीं दी, क्योंकि मान साहब ने पहले कह दिया था कि मैं कोई नंबर टैक्स नहीं लगाना और उस गल के ऊपर हमेशा उठाएंगे, क्योंकि मान साहब ने जो किया वो पूरा तो व्यापारियों को सबसे ज्यादा मेरा खतरा पैसा लगने लग गया। तो इस करके टैक्सा बंदिश करने वास्ते चीमा साहब का भी कल रही चीमा साहब ने बेनती की थी वो जरूर अब इस मीटिंग के भी काम पर उन्होंने जरूरी चंडीगढ़ जाना पै गया। डॉक्टर साहब ने भी बुनी अगले भी यही निकलना सीखा, पर जो मैंने कहा भी मेरा परिवारिक माहौल मीटिंग है एक मेरे परिवार की मीटिंग है, फिर उन्होंने आना ड्यूटी लाई है किसी बंद अपने घर को एक किलोमीटर दूर नहीं करा सकता, डॉक्टर का इलाज होते हैं सिविल हॉस्पिटल का इलाज है।
हर मुश्किलों के दौर में वरदान बनकर समाज की सेवा में योगदान देने वाले मेहंदी रत्ता परिवार से ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदी रत्ता ने विदेश में रहकर जो मानवता की सेवा करने का प्रण लिया हुआ है उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेहंदी रत्ता परिवार से NRI प्रमोद मेहंदी रत्ता व उनके भाई रविंदर मेहंदी रत्ता ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेहंदी रत्ता के परिवार के सहयोग से माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए 101 बसों में हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए भेजा। हर साल मेहंदी रत्ता परिवार अपने स्वर्गीय पिता लाला हरबंस लाल व माता शांति देवी की याद में श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाते हैं। इन बसों को हरी झंडी देने के लिए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, कैबिनेट मंत्री अनमोल गगनमान, लोकसभा उपचुनाव में आप प्रत्याशी सुशील रिंकू, भाजपा के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा, पूर्व डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल, लोकसभा उपचुनाव भाजपा प्रत्याशी इंद्र इकबाल सिंह अटवाल ने नारियल फोड़कर यात्रियों की बसों को रवाना किया। इससे पहले मुख्य अतिथि शीतल विज का बस्ती दानिशमंदा में पहुंचने पर NRI प्रमोद मेहंदी रत्ता व उनके भाई रविंदर कुमार मेहंदी रत्ता, समाज सेवक राकेश कश्यप, मोहित अरोड़ा, प्रेरणा डोगरा, अनमोल निखिल ने स्वागत किया। मुख्य अतिथि शीतल विज ने मेहंदी रत्ता परिवार को इस धार्मिक कार्यों के लिए बधाई दी। श्री विज ने कहा कि मानवता की सेवा ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा है और ऐसी सेवा मेहंदी रत्ता परिवार संजोए हुई है जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता लाला हरबंस लाल व माता शांति देवी की याद को ताजा रखते हुए इस धर्म के ध्वज को बुलंद किया हुआ है। इस मौके पर रविंदर मेहंदी रत्ता, राकेश कश्यप, मोहित अरोड़ा, प्रेरणा डोगरा, अनमोल निखिल सहित कई लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। मेहंदी रत्ता परिवार को आज इस शुभ मौके दे जड़ी है हर साल की तरह यात्रा माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन लिए लोगों को फ्री यात्रा कराते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना तो महारानी अगर अरदास करता यात्रा निर्विघन रखी, मेहंदी रत्ता परिवार को चढ़ती कला च रखी, इन्होंने बच्चों परिवार को सब तंदुरुस्ती बख्शी और मेहंदी रत्ता साहब उन्होंने जोड़े भरा ने सारे विदेश भी बैठे ने उन्होंने भी तंदुरुस्ती दी, उन्होंने कारोबार च वाधा पाई और इस तरह ये धर्म के काम करते रहन और माँ वैष्णो मैया जी इन्होंने कृपा बनाई रखे। जय माता। दैनिक सवेरा और शक्तिपीठ देवतला मंदिर के प्रधान श्री शीतल विजी वालों जो बधाई दी गई है परिवार को इस चर को और बधाई के पात्र हैं, अपना समा कट के इतने पहुँचे हैं। असी शक्तिपीठ देवतला मंदिर प्रधान श्री शीतल विजी का, दैनिक सवेरा मुख्य संपादक श्री शीतल विजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुम जो हिंदुओं का बीड़ा चुकया हुआ धर्म को अगे लैके जाने का उस वीडियो में गांह बनाते हुए मेहंदी रत्ता परिवार के नाल कंधे ना कंधा मिला खड़े हो। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राम। बहुत शीतल भी जी जेडे बहुत सत्कारयोग जिन्हों का बहुत ही उच्चा स्थान है साढ़े शहर के पंजाब हिंदुस्तान के, क्योंकि इन्होंने धार्मिक जोड़े काम जोड़े करते हैं इन्होंने वो मुकाम हासिल किया वा और अज हर साल की तरह जिदा साढ़े कई तरह के समाज में धार्मिक काम प्रमोट वाजी करते हैं उन्होंने आगे जिदा सूँ प्यार आशीर्वाद देंगे मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रगुजार हाँ और मैं उन्होंने एहसान कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि उन्होंने जो भी उन्होंने साढ़े से प्यार आशीर्वाद पर हाथ रखे साढ़े काम बहुत ही सफलपूर्ण और तरीके हो मैं बहुत शीतल गुरु का एक बार फिर धन्यवाद करता। जय माता दी, जय माता दी। और ना सारे यात्रियों मैं बधाई देना और उन्होंने एक सफल यात्रा की मनों कामना करदा महारानी की और अरदास करदा कि उन्होंने मनोकामना पूरी कर लिया और एक बार फिर सब बधाई। जय माता दी। सारी संगत नू जय माता दी। मेरे बहुत ही प्यारे वीर प्रमोद कुमार मेहंदी रत्ता जी, उन्होंने भाई साहब रविंदर मेहंदी रत्ता जी जिड़े कि हर साल हजारों की तादाद जी संगत है उन्होंने नाल लिजा के माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाते हैं, संगत की सेवा करते हैं तो यह परिवार हमेशा धर्म करम के जोड़े काम है उन्होंने अपना वडमुला सहयोग है जोड़ा इलाके पाते हैं
और प्रमोद कुमार महंदी रत्ता जी जिहड़े कि ऑस्ट्रेलिया दे विच काफ़ी समय तो जिहड़े है उत्थे रह रहे हैं और अपने लोगों के नाल जमीन के नाल जिहड़े जुड़े हुए इंसान है और इंसानियत की सेवा दे लई हमेशा तैयार होंगे और अज करीब 6,500 के करीब जिहड़ी संगत है करीब 100 तो वध बसां जिहड़ियां अज माता वैष्णो देवी के दर्शनों नूं संगत दीआं जा रही हैं। सो मैं समझदा कि एड्डी वड्डी तादाद दे विच महामाई के दरबार से संगत नूं लै के जाना अपने आप दे विच इक बड़ा वड्डा जिहड़ा पुन्न दा काम है और परमात्मा कृपा करे महंदी रत्ता परिवार सदा चढ़दी कला च रहे और इस तरह मानवता की इंसानियत की सेवा करता रहे। मेरे वालों महंदी रत्ता फैमिली नूं बहुत बहुत शुभकामनावां और जिन्नी भी संगत अज माता राणी के दर्शनों नूं जा रही है महाराणी कृपा करे सारी संगत है जिहड़ी खुशियां दे नाल इस तरीके दे नाल जिहड़ी यात्रा करके मंगलमई जिहड़ी वापसी है सारी संगत दी होवे। सारी संगत नूं बहुत बहुत वधाई जय माता दी बहुत बहुत मुबारकां अज दे दिन दीआं माता वैष्णो देवी जी दे जिन्नी संगत जा रही है सारिआं नूं बहुत सारिआं शुभकामनावां। साडे लोक सभा दे उम्मीदवार सुशील रिंकू जी जिन्हां ने बीड़ा चक के इन्नी वड्डी सेवा अपने हिस्से लिआंदी है परमात्मा माता राणी इन्हां नूं होर भाग लावे ते सारी टीम जिहड़ी इन्नी मेहनत कर रही है। सो मैं सारी संगत नूं बेनती करूंगी हाथ जोड़ के कि सुशील रिंकू जी बहुत मेहनती साफ दिल वाले ते नेक उम्मीदवार ने जिन्हां नूं तुहाडी सेवा करन लई बड़ा वड्डा मौका जिहड़ा आम आदमी पार्टी विच दित्ता गया है ते जिस तरीके सरदार पवन सिंह मान जी की अगवाई च बड़ी मेहनत नाल ते इमानदारी नाल सरकार काम कर रही है सारी संगत नूं मेरियां मामा नूं भैणां नूं भरावां नूं मेरे बजुर्गों नूं बेनती है कि इलैक्शन दे टाइम सारिआं ने वध चढ़ के जिहड़ा हिस्सा है वह झाड़ू उत्ते आम आदमी पार्टी दे उत्ते मोर भी लाउणी है ते रिंकू भाजी दा जिहड़ा बल है जिस तरीके दे एक चंगे उम्मीदवार तुहाडे च बड़ा वड्डा नाम इहनां दा बड़े मेहनती ने हर वेले काम करन नूं तैयार रहिंदे ने ते इहनां नूं मौका देना तां कि असीं साडे जिले दा जलंधर शहर दा वध चढ़ के जिहड़ा विकास है जिहड़ा होर वधिया तरीके नाल करांगे। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में पत्रकार पहुंचे जहां वारिस पंजाब दे जत्थेबंदी के मुखी अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह और माता बलविंदर कौर से बातचीत की गई और अमृतपाल के सरेंडर करने पर उनकी प्रतिक्रिया जानी गई। इस अवसर पर माता बलविंदर कौर ने कहा कि अमृतपाल ने योद्धा होने का प्रमाण दिया है कि उसने अपने आप को गुरुद्वारा साहिब से सरेंडर किया है। आगे क्या कहना है घर वालों का आइए जानते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की विशेष रिपोर्ट। ਸਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਆ ਉਸ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਝੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਕੋੜਾ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਲੰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 35 ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕਿ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ
बाबा मोहनदास आश्रम बाबा मोहनदास नगर जालंधर में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, दिल्ली मुख्यमंत्री के ओएसडी दीपक बाली और मिल्क फेड के चेयरमैन नरेंद्र सिंह शेरगिल ने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गुरु माँ सोमा देवी जी ने आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को दोशाला देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर लवेंद्र वर्मा, ट्रस्टी हरनेक सिंह ढिल्लो भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सजा पूरी करने के बावजूद देश की अलग अलग जेलों में नजरबंद सिखों की रिहाई के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आरंभ की गई हस्ताक्षर मुहिम के तहत भरे गए परफॉर्मे 27 अप्रैल को पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को सौंपे जाएंगे। शिरोमणि कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने बताया कि बंदी सिंहों की रिहाई के लिए हस्ताक्षर मुहिम के तहत 25 लाख से अधिक लोगों के परफॉर्मे भरे गए हैं जो 27 अप्रैल को चंडीगढ़ में पंजाब के गवर्नर को सौंपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के पास शिरोमणि कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अगुवाई में 4 सदस्यीय वफद जाएगा, जिसमें शिरोमणि कमेटी के सीनियर उप प्रधान बलदेव सिंह कायमपुर, जूनियर उप प्रधान अवतार सिंह रिया और जनरल सचिव भाई गुरचरण सिंह गरेवाल शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले 27 अप्रैल को ही सुबह 7 बजे श्री अकाल तख्त साहिब में पंथक इकट्ठ कर अरदास की जाएगी। इस पंथक इकट्ठ में श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, तख्त श्री केशगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह, सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह, शिरोमणि कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरचिंदर सिंह धामी और अलग अलग सिख जथेबंदियों के मुखी सहित शिरोमणि कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्य शामिल होंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पिछले समय च देश दे कानून जिसने सानू न्याय नहीं दिता सिखां नू, उस दे लई अपने हक्कां दी संघर्ष लड़न लई कौमी योध्या ने वड्डे वड्डे कहदे हुंदे आ संघर्ष लड़े, इत्थों दीआं सरकारां दे नाल टक्कर लई ते इत्थों दे न्याय पालकां ने सिखां नू आपदे कानून दे मुताबक उन्हां नू दोष दे के जेलां विच बंद कर दिता। पिछला समा सारे दुनिया जाणदी आ कि बंदी सिंह जिहड़े कि सिखां दीआं भावनां नाल जुड़िया मामला, उन्होंने दुगड़िया सजावं जिन्नियां उन्होंने मिली उस तो वड्डी सजावं भुगत चुके ने। उन्होंने बारे में सिख जिहड़े आ इस गल आवाज बुलंद करते आ। सो खास तौर पर सिखां दी जमात जिहड़ी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी अपना बनदा फर्ज समझदी हुई बंदी सिंघां दी रिहाई ते उन्हां दे नाल जिहड़े संबंधित केसां लई अदालती जिहड़ी आ जिन्ना भी कार्रवाई वो मुड़ तो करती आ रही है, उन्हां दे परिवारां दे नाल उन्हां दे जेलां दे विच उन्हां दी सहायता। सो उस काम नूं लै के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले समय देश दे राष्ट्रपति, देश दे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक इस गल लई चिट्ठियां पा के समां मंगण दी गल कीती। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की राज्य कोर कमेटी की ओर से एमरजेंसी मीटिंग बुलाकर 23-24 अप्रैल के रेल रोको मोर्चे को 29 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है, जिस पर जत्थेबंदी के वरिष्ठ नेता सरवन सिंह पंधेर ने रेलवे फाटक देवीदासपुरा पर बोलते हुए कहा कि जत्थेबंदियों की ओर से लगातार संघर्षों के दबाव के चलते छोटी छोटी मुश्किलों को छोड़कर गेहूं की खरीद ठीक ढंग से चलाई जा रही है, जिसे देखते हुए जत्थेबंदियों की ओर से 7 दिन के लिए मोर्चे को आगे कर दिया गया है और जत्थेबंदियां लगातार मंडियों पर तीखी नजर बनाए हुए हैं और अगर आने वाले दिनों में मंडियों में किसी भी तरह की मुश्किल आती है तो या किसानों को धक्के से प्राइवेट सेलो गोदामों की तरफ भेजा जाता है तो अगली मीटिंग कर दोबारा मोर्चा ऐलान किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो सी देवीदासपुरा जो इतिहासक नगर आदि रेल ट्रैक पर खड़े हैं, जिस रेल ट्रैक के उत्ते 23-24 दो दिन रेल रोको अंदोलन होना सीगा, असी तैयारियां कर रहे थे। जिहड़ी सूबा कमेटी ने अज मीटिंग की आ, सूबा कमेटी ने मीटिंग करने तो बाद जो पंजाब के पूरे पंजाब के जायजे ले आ, जड़ा उन्हां दा फैसला आया भी लगभग पूरे पंजाब दे विच जड़ा वा बगैर कट तो निर्विघन जिहड़ी आ कणक की खरीद वो हो रही हैगी, भावें कि केंद्र सरकार का वैल्यू कट हजे भी
ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ब्राह्मण सभा दीपनगर जालंधर छावनी की ओर से गोल्डन कॉलोनी फेस 1 में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम सुबह हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने भगवान परशुराम जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। ये सारा समागम प्रधान खेमचंद जोशी की अध्यक्षता में करवाया गया। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। इस मौके पर कर्नल आरके शर्मा, सत्यदेव शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, के शर्मा, सुभाष शर्मा, हरीश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, विजय दावेसर, देसराज शर्मा, जीवन शर्मा, आराधना शर्मा, संतोष जोशी, बलवीर बल्ली सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। भगवान परशुराम जी, आज ब्राह्मण सभा दीपनगर द्वारा भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से गोल्डन कॉलोनी फेस 1 ब्लॉक बी बुडिंग में मनाया गया। अभी अभी हवन की समाप्ति हुई है। भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर ब्राह्मण सभा दीपनगर की तरफ से उनका जन्म उत्सव बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, इसमें हमारे सारे सभी भाई बंधु शामिल हुए पंडित हरीश शर्मा जी की अगुवाई में, और इसके बाद सब प्रसाद वितरण किया गया। मैं ब्राह्मण सभा की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्तों आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्र देव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को शाम 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये यज्ञ माँ के आदेश से निशुल्क किया जाता है। इस मौके पर लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा, रोहित शर्मा, संजय शर्मा, सुमित बिनी, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील, ज्योतिषाचार्य गौरव, देसराज शर्मा, गग्गू साहिल सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जयकारा है भद्रकाली माता जी का। कालिका धाम ज्योतिष पृथ्वी नगर किशनपुरा में दुख निवारण चंडी यज्ञ माँ का आयोजन हर शनिवार बहुत श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। यहाँ पर भक्त बहुत दूर दूर से आकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। और ये हमारा आज 123वां यज्ञ है, जिसमें माता का यहाँ पर सिद्ध रूप देखने को मिलता है। और मैं अपने सभी यहाँ पर जितने भी भगत हैं, मेरे सेवादार हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि यहाँ पर एक लाल कपड़े में नारियल और कुछ दक्षिणा यहाँ पर बांधकर माता रानी से जो भी मनोकामना आप मांगोगे, ये मेरा विश्वास है कि 1 हफ्ते में माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। बोल साचे दरबार की जय। मैं हरप्रीत सिंह पूर्वा कपूरथले तो, मैं कुछ समय तो इतने कालिका धाम जुड़िया सी। मेरे अंदर ना बहुत चीज़ा सी, मतलब मैं एक गलत चीज़ा का सेवन जिदा मीट शराब कर रहा सी, ठीक है। मैं अपने आप कहता सी कि मैं इस चीज़ को छड़ना चाहता वा। तो मैं कुछ समय तो हर शनिवार इतने कालिका धाम यज्ञ होंदा वा, यज्ञ नू मैं इतने आना शुरू किया कुछ समय तो, और मेरे अंदर जो नैगेटिव चीज़ा सी वो सारी दूर हो रही, और मैं पॉजिटिव दिन ब दिन पॉजिटिव हो रहा सी। मेरी कुछ समस्या सी बहुत ज़्यादा, वो भी हल हो रही सी। मैं शहर वासियों बेनती करना वा कि किसी नू कोई दुख तकलीफ या किसी भी चीज़ की बाधा आती पी है, इतने जलंधर कालिका धाम बंदा जरूर आवे, ठीक है। इतने कोई भी पैसे का या किसी चीज़ का नहीं वो चीज़ रखा जाता,
बस अपनी श्रद्धा एक सच्ची श्रद्धा लेके आवे ते अपने जो भी मनोकामना अपने मनोरथ है गया इत्थे आके पूरी करे। मुस्लिम इंतजामिया वेलफेयर कम्युनिटी सुलेमाना की ओर से ईद उल फित्र का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर सभी भाइयों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सुलेमान गफ्फार अली, जब्बार अली, इदरीस, नासिर, ईशा, जलाल, सतार, इमाम माज अली, सुरक्षा सलमान, सुहेल सहित मुस्लिम भाईचारे के अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जो कि हर साल की तरह साडे ईदगाह के अंदर ईद का त्यौहार मनाया गया जिहदे विच साडे वड्डे भरा ADGP साहब फरूकी जी और साडे मक्कड़ साहब और सारे साडे केंट का BJP के मंडल ने आके इत्थे जो कि भगवान का चलो आशीर्वाद भी लिया और अज्ज दे दिन दे उपर मैं अपने सुलेमान भरा नूं ईद की लख लख बधाई दिना और उहदे विच अज्ज मैं इत्थों अपने वालों कहना चाहना कि घट्टो घट 100-150 साल हो गया इत्थे जो कि गेट है उहदी जो मरम्मत है साडे CO साहब नहीं करन दिंदे वो बड़ी माड़ी गल है। असी CO साहब नाल मिल के ये गल करके अगली जिहड़ी ईद है उत्ते ये गेट बनना चाहिए क्योंकि अगर ये गेट किधरे गिर गया किसी का जानी नुकसान भी हो सकता इत्थे स्कूल के बच्चों दीआं बसां भी खड़ियां हुंदियां वैं। इस करके मैं अज के मौके पर यही बेनती करदा साडे केंट CO नूं कि इहदा मौका दे के इन्हां नूं गेट बनाने की इजाजत दी जाए क्योंकि हमेशा गुरद्वारा मंदिर मस्जिद जो संगत एकत्र होंदी है तो उत्थे रब वसदा तो ये जिहड़ी वोट ये भी एक असीस नाल पैंदी है कोई पोलिटिकली नहीं कोई दूजी गल नहीं कोई लैक्चरबाजी नहीं पर लेकिन हर बंदे नूं आशीर्वाद चाहिए। मैं आज दे दिन ते लख लख बधाई देना। आज ईद उल फितर के मौके पर तमाम देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज हमने 30 रोज़े रखने के बाद ईद उल फितर की नमाज़ अदा की जिसमें मेरे बहुत ही अजीज़ मेरे भाई सरदार प्रगट सिंह जी, राजा बड़िंग जी, पप्पू जी और कैंट के काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए जिन्होंने अपनी दुआओं से हमें नवाजा। देखो आज दा दिहाड़ा ईद दा त्यौहार हैगा जिहड़ा 30 रोज़े रखने तो बाद मुसलमान भाईचारे नूं रब वल्लों प्रदान किया जाता है। ये बहुत वड्डा दिन हैगा। ये कहा जाता हैगा कि रोज़े जिहड़े रखे जाते हैं ये 30 दिन दे रोज़े दे बाद ईद जिहड़ी हैगी 30 रोज़ियां दा इनाम है रब वल्लों। सारी गल्लां विच्चों मुकदी गल हैगी कि जिहड़ा रब वल्लों पैगाम हैगा वो हैगा कि सारे इंसान एक साथ मिल के रहन जिहड़ा रब उन्हां भी देंदा जिहड़े उन्हों नहीं मानते तो जिहड़ा उन्हों भी देंदा हैगा जिहड़े उन्हों मानते ने वह सारे रल मिल के जदों रब वल्लों तफरीक नहीं हुंदी फर्क नहीं किया जाता तो रब ये उम्मीद करता साढ़े तो कि आपां भी सारे रल मिल के समाज में रहिए। जय मां सेवक सभा की तरफ से 19वां वार्षिक जागरण न्यू रसीला नगर रतन ब्रदर्स बस्ती दानिशमंदा में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करवाया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त कर सभा के सभी सदस्यों को जागरण की बधाई दी। इससे पहले जागरण की शुरुआत महंत शौरी चंचल एंड पार्टी ने गणेश वंदना को सुनाकर की जिसके बाद उन्होंने मां की भेंटों से सभी मां भक्तों को झूमने पर विवश किया जिसके बाद गायक मानव हीरा एंड पार्टी ने भी देर रात तक मां के भजनों को सुनाकर सारे वातावरण को भक्तिमय बनाया। इस मौके पर विकास खिंदर, राजीन खिंदर, विशाल खिंदर, रजनीश खिंदर, अजय कुमार, विकास कुमार, प्रदीप डालिया, कृष्ण स्वरूप, योगेश डालिया, योगेश कुमार, राहुल, हरभजन लाल, संजू सागर सहित सभा के सदस्यगण शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। डॉक्टर अनूप अबरोल जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं उनके आत्मिक शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म पगड़ी श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय अनूप अबरोल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की तो वहीं कथावाचक पंडित अयोध्या प्रसाद ने कथा कर उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक क्षेत्र विज, विधायक रमन अरोड़ा, आप नेता रजिंदर कौर, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, संत बाबा निशान सिंह जी, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, सुदेश विज, अनिल
सचर प्रवीण हांडा, दीपक बाली, एसीपी सुभाष, नरेश विज, अमित तनेजा, प्रदीप खुल्लर, अशोक सरीन, हिक्की, प्रिंस ग्रोवर, अमित दीवान, बंटी नीलकंठ, डॉक्टर प्रवीण बेरी, गुरदीप औलख, रमेश शर्मा, अमरजीत सिंह अमरी, पूर्णिमा बेरी, डॉक्टर सुषमा चावला, मीनू शर्मा सहित पारिवारिक सदस्यों में बड़े भाई अशोक अबरोल, धर्म पत्नी प्रवीण अबरोल, बेटा रबीश अबरोल, बहू नीरू अबरोल, बेटी आस्था, दामाद म्यंक सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय अनूप अबरोल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। प्रार्थना सभा में सभी उपस्थित हमारे भाई बहनों, माताओं, प्यारे भक्तों, आज हम हमारे भाई अनूप अबरोल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी दूर दूर से आए हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जो भी संसार के अंदर जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन जाना ही होता है, और हमारे भाई अनूप जी उस ईश्वर की व्यवस्था में अनंत की यात्रा में निकल चुके हैं। आगे बहुत ही सुधार जो डॉक्टर अनूप अबरोल जी उन्हें अपनी अंतम समय की अरदास के बीच सारे रिश्तेदार, सारे भैन भरा, सारे सियासी और समाजिक परिवार के तौर पर इन्होंने नाल दुख साझा करने वास्ते मतलब लिया, और बड़ा जो मैं जिंदगी जो समा देखा मेरे सामने मेरे माता जी बैठे ने, इसके भी परिवार के जो कोई योगमय समा हों गल करनी बहुत कठिन, लफ्ज लभने बड़े औखे होंगे, क्योंकि परिवार में जोड़ा पिछोड़ा वो पर्सनैलिटी देखे जाती है जो सर्व ने उन्हें ना देना और उसके बाद ना हो बहुत बड़ी उस मालिक ने जी रचना की है संसार की, उसकी विडंबना है कि उन्हें संसार इधर ना बना। जो इस संसार की रचना हुई होगी तो मैं कह सकता कि जिन्हें जगत को बनाया उसकी कल्पना इदा नहीं होगी। असि सारे ही जिन्हें भी जीव इस सृष्टि के इस धरती से आए हैं उन्होंने कभी ना कभी कभी ना कभी सामने इस चीज़ को पेश करना है। जिंदगी क्या है एक नासर का जरूर करती है, मौत क्या है ये ऐसा कॉम्पिटिशन, अग्नि व्यक्ति जल वायु आकाश हर तत्व तरतीब चलने इंसान जल जाए उसकी तरतीब बिगड़ती है सिर्फ मौत है, जानवर मौत इंसान के हक से, इंसान के हक से तरतीब के आके कि हम ये कर्म कर रहे हैं बैठते हैं ऐसा। फिर मैं डॉक्टर अनूप अबरोल जी हैं, लेकिन उन्होंने जीते हुए कमा की खुशबू अच्छी है, धर्म पढ़े थे उन्होंने प्यार ही पाया प्यार ही बनाया, आज भी हाजिरी इससे कि दीवानगी के ख्वाबों का चर्चा है जिंदगी, दीवानगी के ख्वाबों का चर्चा है जिंदगी, लगता है जो सच ऐसा छलावा है जिंदगी, मोती अगर है मंदले, मोती अगर है मंदले, धागा है जिंदगी, चलना फटक है जिंदगी, बिछड़ा कुछ इस तरह कि जग ही उठ गया, एक शख्स सारे शहर को विरा कर है। ये 17 जदों पढ़ते हैं तो होर तरह लगदियाँ, जदों महसूस करते हैं तो फिर इस तरह दिखता है किस तरह हर चेहरे पर उदासी है, हर अख गमगीन है और हर दिल च उन्हां दी याद है।
जे मैं डॉक्टर साहब के बारे बोलना हो किन्ने दिन तो किन्ने घंटे लग जाएंगे। मैं कि नेड़े उन्होंने शख्सियत जानता, मैं उन्होंने फॉलो करता, मैं उन्होंने वर्गा सादा बनना चाहता, उन्होंने वर्गा सहज बनना चाहता, उन्होंने वर्गा समाज में प्यार रखना चाहता, उन्होंने वर्गी शांति रखना चाहता, उन्होंने वर्गा मैं संगीत नाल प्यार रखना चाहता, उन्होंने वर्गा अपने छोटे को प्यार करना चाहता, उन्होंने ही वड्डे को सत्कार करना चाहता। मैं इस तरह चाहता कि मैं इस तरह का बना जिस तरह के वो उन्होंने जो हिरदा है वो समुद्र वांग मैं महसूस किया। डॉक्टर अफरोज जिन्होंने आप भी काम समाज वास्ते किया, सरकार जो पैंती प्रवीण अबरोल जी जो डॉक्टर साहब का सहयोग ना हों तो प्रवीण अबरोल जी समाज में जाके काम ना कर सकते, क्योंकि कई बार असी भैन जी को कट्ठे होंगे प्रोग्रामा से कट्ठे टी वी स्टेशन से या कई इंस्टीट्यूशन भी स्पीच करने कट्ठे हुए हैं, तो इन्होंने समाज की सेवा करनी गर्व है। हर इंसान जो दुनिया के जन्म लगता उस इंसान एक आरोपी मोल एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया को ले जाती है। लेकिन जोड़ा इंसान समाज के प्रति चंगा काम करता है उस इंसान के जाने जिते परिवार को बड़ी वीड्डी घाट पड़ती है उत्थे समाज में भी बड़ी वीड्डी घाट पड़ती है। डॉक्टर अफरोज जी के किए हुए काम उन्होंने प्यार उन्होंने सहयोग समाज के प्रति अज के युग के बहुत वधिया सी, और जो भी उन्होंने मिलना उन्होंने हमेशा ही इंसानियत वाला और ईमानदारी वाली गल करनी, और अपना भी जीवन उन्होंने इंसानियत वाला और ईमानदारी वाला दिया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। वारिस पंजाब दे के मुखी अमृतपाल को मोगा के गांव रोडे से पुलिस ने किया गिरफ्तार, असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेजा। पंजाब करियाना रिटेलर्स एसोसिएशन की ओर से श्री देवी तलाब मंदिर के रामहाल में पहली वार्षिक जनरल मीटिंग का किया गया आयोजन। प्रसिद्ध समाज सेवक मेहंदी रत्ता परिवार की ओर से 101 बसों का काफिला मां वैष्णो देवी के दर्शनों हेतु किया गया रवाना। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं, और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।